दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक महाकुंभ के लिए आज रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। दावोस में पीएम मोदी के भाषण के साथ ही कल से शुरू होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण भारत की बड़ी आर्थिक ताकत बनने का सबूत है। बर्फ की सफेद चादरों में लिपटा ये शहर तैयार है आर्थिक मोर्चे पर दुनिया की बदलती सूरत का स्वागत करने के लिए। यही वो शहर दावोस है जहां से दुनिया के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक नए अवतार में नजर आएंगे। सारा विश्व एक आवाज से कह रहा है कि बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। दावोस रवानगी से पहले उन्होंने अपना नजरिया और चुनौतियों की चिंता जाहिर कर दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सामने वर्तमान में मौजूद और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के नेताओं, सरकारों, नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट और सिविल सोसाइटी को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ये भारत की आर्थिक ताकत को सलाम नमस्ते है जिसकी डोर मोदी के मजबूत हाथों में है। और ये उसी मजबूती का कमाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन भाषण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 23 जनवरी को जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नया अध्याय खुलेगा तो इसके पहले पन्ने पर पहला नाम नरेंद्र मोदी का होगा। बड़े क्लियर तौर पे वो दुनिया को दर्शाएंगे कि हिंदुस्तान आज एक ऐसा देश है जो हर प्रकार से दूसरे देशों से FDI को एब्जॉर्ब कर सकता है। हम चाहते हैं कि दूसरे देश मिलकर हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया करें क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव किया है। किसी अनुभवी CEO की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंत्रियों और कारोबारियों के साथ विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में यंग और इनोवेटिव भारत की बात करेंगे। पूरी संभावना है कि उद्घाटन भाषण में मोदी दुनिया को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत कितनी तेजी से आर्थिक सुधार कर रहा है। GST को विश्व बिरादरी के सामने अब तक के सबसे बड़े कर सुधार की तरह पेश किया जाएगा। मोदी बताएंगे कि भारत विदेशी निवेश का दोनों हाथों से स्वागत करने को तैयार है। मोदी बताएंगे कि भारत से नौकरशाही, लाल फीताशाही का बोरिया बिस्तर बन चुका है। तेज आर्थिक सुधारों के दम पर भारत अगले कुछ सालों में टॉप 50 देशों में शुमार हो जाएगा। विश्व बैंक की उस रिपोर्ट की भी जरूर चर्चा होगी जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का दर्जा काफी ऊपर हो गया है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले वो आज ग्लोबल CEO के राउंड टेबल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसमें करीब 60 CEO हिस्सा ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इस राउंड टेबल मीटिंग में 20 भारतीय CEO शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी की दावोस में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन से जुड़ी सूचना को साझा करने का नया समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक जल्द ही दोनों देश एक दूसरे को बैंकिंग से जुड़ी सूचनाओं को साझा करना शुरू करेंगे। इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम होगी। पीएम मोदी इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल के 120 टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ भी रूबरू होंगे जहाँ निवेश पर बात होगी। तो दावोस में पीएम मोदी की एक और असरदार पारी का इंतजार कीजिए। नए साल में दावोस से भारत को खुशखबरी मिल सकती है। राहुल कंवल, दावोस आज तक। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें तमाम खबरों के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं आज तक का मोबाइल ऐप या फिर विजिट करिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।